क्या आप अपने फेस से डबल चिन, डबल चीक या रिंकल्स को कम करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को बिल्कुल अवश्य देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से योग के द्वारा आप ये सब चीजें बिल्कुल नेचुरली कर सकते हैं। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने दिन को थोड़ा सा ज्यादा और सहज, थोड़ा सा ज्यादा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाए। उसी की श्रृंखला में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस योगा प्रैक्टिस से आपके जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, उसी तरह से आपकी जॉ लाइन और प्रोमिनेंट हो जाएगी। अगर आपके फेस पे एक्स्ट्रा फैट है बिकॉज ऑफ आपके एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से, या ज़्यादा आप तेल का खाने की वजह से एक्सेस फैट आपके फेस पे आ गया है, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली कम होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड कीजिए, आपके फेस पर, जी हाँ, आपके फेस पर 52 मसल्स होती हैं। ये मसल्स ठीक उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह से आपके हाथ की मसल्स या पैर की मसल्स या आपके बैक की मसल्स काम करती हैं। पर अगर आप इन्हें अप्रोप्रिएट वे में एंगेज नहीं रखते तो थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, वो धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी लूज करने लग जाती है। जैसे आपकी इलास्टिसिटी लूज होती है, वैसे वैसे आपके फेस पे झुर्रियां आने लगती है, आपका फेस सॉगी हो जाता है, या आपके फेस पे फैट आना शुरू हो जाता है। आपके फेस की मसल्स ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से आपकी नेक की मसल्स काम करती है, क्योंकि बहुत सारा आपका स्ट्रेस, आपके विचार आपके फेस के ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो उसे एक बहुत ही कारगर तरीके से अगर आपको निकालना है तो इन केवल 7 योगिक प्रैक्टिसेस को कीजिए। दिन का आपको केवल 5-10 मिनट का समय लेना है और बहुत आसान है, आप ये कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना जरूर है, ये जब आप करेंगे थोड़े से आप फनी जरूर लगेंगे, पर उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपके लिए है, ये आपको अच्छा महसूस करने के लिए है, तो इसे आप बिल्कुल जरूर कीजिए। 7 प्रैक्टिसेस करनी है एक के बाद एक लगातार। सबसे पहले जो आप करेंगे वो है आपको आपके मुंह से गुब्बारा बनाना है 5 बार। हर एक बार करेंगे आप 5 बार और इसे तकरीबन 3-5 बार कीजिए कुछ इस तरह से, और उसे गुब्बारे को हिलाना है इस तरह से। दूसरा है आपको बनना है काली माता। जी हाँ, काली माता, अगर आप ध्यान करें तो काली माता की हमेशा जीभ जो है बाहर रहती है कुछ इस तरह से, और इसे आप केवल 3-5 बार कीजिए हर वक्त। आप केवल 5 सेकंड के लिए कीजिए कुछ इस तरह से, जुबान जितनी हो सके उतनी आप बाहर निकालिए। तीसरी प्रैक्टिस में कुछ इस तरह से आपको याद रखना है कि आपको आकाश को या सीलिंग को चिढ़ाना है। तो अगर आप बच्चे हैं और अगर आपको आकाश या किसी आपके सीलिंग को चिढ़ाना है, उसका फन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर देखेंगे और अपनी जबान को बाहर निकालेंगे। होता क्या है, जब आप वो करेंगे तो आपकी पूरी जॉ लाइन और ढंग से प्रोमिनेंट होगी कुछ इस तरह से। ऊपर देखिए और जबान को जितनी हो सके बाहर निकालिए। जब आपने आकाश की खिल्ली उड़ाई तो आप क्या करते हैं, हंसते हैं। तो जी हाँ, आपको इस बार हंसना है, पर हंसने का कुछ इस तरह से तरीका है। पहले छोटा ओ और फिर बड़ा, पहले आप छोटा सा ओ बनाएंगे और फिर बड़ा कुछ इस तरह से। आपको बनाना है मछली चेहरा। जी हाँ, मछली चेहरा आप कैसे बनाएंगे, आपके दोनों ये चीक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको आप 5 बार करेंगे 5 सेकंड के लिए। इससे भी क्या होता है, आपके चीक के पूरी जितनी मसल्स है वो काम करती है, जॉ लाइन काम करती है। इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं कौवा प्रैक्टिस। जी हाँ, नाम बहुत फनी है पर इसका काम बहुत तगड़ा है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको इसी तरह से देखना है जिस तरह से आपकी आंखें बाहर आ गई हैं, और बस ऐसे, और फिर हाथों को ऊपर लेके आप अपने फोरहेड को पीछे लेके जाएंगे जितना हो सकता है पीछे, कि पूरी आपकी आंखें ऐसी हो रही हैं कि जैसे वो पॉप आउट हो रही हैं। इससे होता क्या है, आपके जितने भी हाथ के रिंकल्स हैं, आपके आईज के अंडर के रिंकल्स हैं, या आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी बहुत कम हो जाती है। इसे आप करेंगे 5 बार 5 सेकेंड के लिए। ये है आपकी आखिरी प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में आप
आपकी गर्दन को पूरे 360 डिग्री के अंदर घुमाएंगे। आप जब इसको करते हैं तो आपकी जो ये वाला एरिया रहता है ये बहुत ढंग से एंगेज हो जाता है, और अगर आपको डबल चिन या डबल चीक की तकलीफ है तो उससे आपका वो मास, वो फैट वहाँ से धीरे धीरे कम होना शुरू होता है इस तरह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल याद रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोज को देखने के लिए।